रामगढ़ में एक होटल में एनडीए गठबंधन की बैठक की आयोजित की गई है, जिसमें हजारीबाग से गठबंधन के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, जबकि जेएमएम के फागू बिरसा तमाम लोग शामिल हुए हैं और तमाम दल के पदाधिकारी शामिल हुए। जहीं बैठक के बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी पटेल ने कहा है कि ये चुनाव संविधान और आरक्षण बचाने को लेकर लड़ी जा रही है, जिसमें जनता उनके साथ है। इस दौरान जेपी पटेल ने बीजेपी नेताओं पर जमकर कटाक्ष किया है। अनुसूचित जनजाति को आगे लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो प्रयास किया और जो नतीजा है किया, समाज आगे आ रहा है। और वैसे लोगों को जिस तरह से भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि 400 पार के बाद क्या क्या वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता सब समझ रही है कि इस बार संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम राम राज्य का बात करते हैं, राम राज्य कैसे आएगा जब हम एक धर्म दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, जब महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, जब गंदी राजनीति करेंगे। तो इस तरह का राजनीति से नफरत फैला के लोगों को बांट के क्या राम राज्य का स्थापना किया जा सकता है? तो ये सबसे बड़ा इशू है। ये लोग ठेकेदार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।